सभी प्यारे भाइयों बहनों को चाहने वालों को एसपी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आइए अब हम इस सेशन में आज हम आपसे बात करेंगे पॉलिटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाते हैं। आ चुका है प्रश्न, कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, तो बताना चाहूँगा मित्र, भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, इस अधिनियमों के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया है। तो इसके वो आप देखते हुए चलिएगा। बाकी जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में आपको बता दूं, अगर आपसे कहता कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है क्या किया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप बता लेंगे। बाकी रही बात 1892 के बारे में, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 1909 के बारे में भी आप जानते ही हैं। आइए बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस पार्ट का, इस सेशन का, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा, कभी कभी पूछा जाता है, तो धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद, अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है या दी जाती है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। अब देखो बहुत सारे प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है कि एक प्रश्न के पीछे ही जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पे हम चर्चा कर लेंगे। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु, तो भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, ये अपनी माँ बाप के 14वें पुत्र थे। आप ऐसे याद कर लो कि 14 अप्रैल को पैदा हुए 1891 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, महू कहाँ है, महू से मध्य प्रदेश में, तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, कहाँ हुई थी, दिल्ली में, कहाँ हुई थी मित्रों, दिल्ली में हुई थी। तो एक नहीं दो प्रश्न आपका निकला 1950 यानी 1891 और 1956 हो गया। अब देखो इनसे रिलेटेड आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न बदल के कहेगा, आपसे कहेगा कि बताइए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तब भी आप किसका नाम लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही नाम आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति का भी जनक, पांडुलेखन समिति जिसको कहते हैं, उसके भी क्या कहे जाते हैं, अध्यक्ष कहे जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न इनसे रिलेटेड निकल के आते हैं जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संविधान के पहले उपाध्यक्ष। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि संविधान के पहले उपाध्यक्ष यानी आप संविधान सभा की उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले उपाध्यक्ष कौन से, H.C. मुखर्जी। कौन थे मित्र, H.C. मुखर्जी। तो भैया पहले ए में ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 4th। देखो 4th कहाँ हो रहा है, यही, बाकी सब में मिल नहीं रहा है, यानी बाकी सब ऑप्शन क्या करोगे, काट दोगे, यानी बिना आँख मूने क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते थे कि बी होगा, फिर भी हम जानते रहेंगे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य की बात हो रही, ड्राफ्टिंग कमेटी की मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य की बात की जा रही है यहाँ पर। तो कांग्रेसी सदस्य में K.M. मुंशी का नाम आता है, किसका नाम आता है, K.M. मुंशी का नाम आ जाता है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्यों में किसका नाम आता है, V.T. कृष्णामाचारी का, किसका, V.T. कृष्णामाचारी का। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाता है। यानी आप देखिए दूसरे में हो गया 3rd, तीसरी में हुआ 1 और इसमें दूसरा, यानी चौथे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। बिल्कुल आप सभी बच्चों ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से हम आपके बीच में चर्चा करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो बताना चाहूँगा भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, यानी कह सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्य, कितने सदस्य थे भैया, कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा, 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यानी टोटल 299 सदस्य थे लेकिन कितने सदस्य उपस्थित थे, 284 सदस्य उपस्थित थे जिसने हस्ताक्षर किए थे, तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। जैसे कौन कौन से प्रावधान लागू कर दिए गए थे आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसको जानते रहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और उसके बाद इसी में आपकी आ जाती है नागरिकता, नागरिकता के साथ साथ निर्वाचन संबंधी प्रावधान, निर्वाचन, निर्वाचन संबंधी प्रावधान को भी, और भी कुछ थे जो इसी दिन क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया जाता है। अब बात जब भारतीय संविधान की आती है तो भारतीय संविधान में इसको जो है, संविधान में राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से होता है, कौन कौन से नाम से, भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। और किस में किया जाता है आपसे पूछा जाए, तो ये आप जैसे ही संविधान पढ़ना स्टार्ट करोगे पहले ही पार्ट में आप पढ़ लेते हो, अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत सैल वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, आपने पढ़ा होगा बहुत आसानी से, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं यह सिद्धांत जाना जाता है। तो देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जो है पूर्णतः अगर देखा जाए तो सार्वभौमिकता को सिद्ध करता है, सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है।
जिसको यूनिवर्सलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए केशवानंद भारती विवाद दिख रहा है, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1960 में, कब, 1960 में किसमें बेरुबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रस्तावना किसमें, भैया प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या दिया, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब आपसे इससे अलावा क्या प्रश्न बन सकता है, ऑप्शन डी तो हो गया। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक जितने भी मामले हुए हैं सबसे लंबी सुनवाई किसमें हुई है, तो सबसे लंबा केस जो चला है पहला स्थान केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ही है, दूसरा स्थान अभी जो अयोध्या मामला था उसका रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मित्र आपको बताना चाहूँगा, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ। तो 1953 में ही उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पड़िक्कर और एच एन कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की थी, तो 1955 में प्रस्तुत की, और राज्य पुनर्गठन के लिए चार आधार बताए। कौन कौन से चार आधार थे, पहला आधार था भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता। दूसरा जो था वो था देश की एकता, कौन सा भैया, देश की एकता। और उसके बाद जो तीसरा था, एकता के साथ अखंडता भी लिख लीजिएगा, एकता तथा अखंडता। और तीसरा जो था वो था वित्तीय एवं प्रशासनिक एक रूपता। और चौथा था मित्र कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर
दसवें पर। क्वेश्चन नंबर दसवां कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन बी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब? 1991 के तहत। संविधान में अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, तो संविधान में अनुच्छेद 239 का के साथ जोड़ा गया। देखिए ये का लिख रहा हूँ, इसको दरबार से समझिएगा। अनुच्छेद 239 का एवं इसी में जोड़ा गया अनुच्छेद 239 खा को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उपबंध किया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली यानी NCTD के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो गया? बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो देखिए, कोई भी नया राज्य बनाने की या उसको शामिल करने की जो है, ये संसद को है। किसको है मित्रों? संसद को, यानी संसद विधि के द्वारा ही। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपको पढ़ता ही होगा, अनुच्छेद दो के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना इस्टेब्लिश कर सकती है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? किसकी बात कर रहा है? समता के अधिकार की बात हो रही है। अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कई मर्तबे पूछा है एग्जाम में। तो बिल्कुल अनुच्छेद 14 दिख रहा है मित्र, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के कौन से भाग में आती है? भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 14 से कहां तक? 18 तक, यानी 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा है? सुमेलित नहीं है। तो पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या दिया है, विधि के समक्ष समता। अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 दिया है उपाधियों का अंत, बिल्कुल गलत दे रहा है। आपको पता होगा मेरे भैया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत नहीं। किसका अंत है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब जो हम आप क्या करते हैं, आपस में द्वेष करते हैं, भेद करते हैं ना, शून्य से किसी प्रकार के जो भेद आते हैं उसके अंत की बात किया गया है। जबकि अनुच्छेद 18 जो है में सैन्य उपाधियों की अनुमति भी दी गई है, और इसी अनुच्छेद 18 में ही जो है अगर आप देखेंगे तो उपाधियों का अंत, ये आप लिख लीजिए चाहे, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत एवोल्यूशंस ऑफ टाइटल्स का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंध करता है। यानी केवल एक उपाधि की बात करता है, सैन्य उपाधियों की अनुमति तो देता है, बाकी जितने भी उपाधि हैं उनके अंत के बारे में प्रावधान किया है किसमें? आर्टिकल 18 में। तो भैया आपसे कह रहा था कि सुमेलित नहीं है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है?
मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो देखिए मूल अधिकारों की बात में आ रही है, तो आपको पता होगा अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहूँगा, मना करना यानी प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से लेकर के 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। अब किसकी बात, कौन से विवाद की बात हो रही है, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद की। तो बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको दिख रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो था 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 की अगर बात करें तो में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो विवाद जो है वो यही है ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। आइए बढ़ जाते हैं 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार ये सभी को प्राप्त है। भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे कि आपको बात कर रहा हूँ जैसे जो अधिकार दिए जैसे विधि के समक्ष समता, कौन से अधिकार कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 14 के अनुसार ये मिलता है, ठीक है। और अपराधों के लिए द्वेष सिद्ध, अपराधों के लिए द्वेष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 किसमें, अनुच्छेद 21 में इसका मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 23 व 24। और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 देता है। परंतु कुछ मूल अधिकार यथा हैं जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, किसकी बात कर रहा है प्रश्न, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का। मित्र बताना चाहूँगा कि 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग चार का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य, कितने 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11
मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कर्तव्य की बात मूल क्या करेगा, रशिया। अधिकार कौन जताएगा, अमेरिका। अगर कहता कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है तो अमेरिका हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर भी चलते हैं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। बिल्कुल आपको ऑप्शन दिख रहा है सी, गोवा। सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अगर हम बात करें अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 18वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें पर, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। किसकी बात कर रहा है मित्र, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय जो होता है वो सदैव अंग होता है। किस चीज़ का अंग होता है तो बताना चाहूँगा, समाजवादी देशों ने, कौन से देशों ने, यहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन सी समाजवादी संविधान का, तो बिल्कुल समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए विचार करते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल बिल्कुल वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको पता होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह पहला क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो बिल्कुल 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहे वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या किया जा सकता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसकी बात करता हो, लोकसभा। यहाँ संसद ना दे करके क्या दे दिया जाता है, केवल लोकसभा, क्योंकि संसद में आपकी राज्यसभा भी आ जाएगी, तो लेकिन यहाँ पे केवल और केवल जिसका वर्णन मिलता है वो मिलता है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। यानी आपका 1 और 2 तो पूर्णतया सही है ना, क्योंकि इसमें 3 का ऑप्शन भी नहीं है, 1, 2 और 3 साथ में कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21वें पर चलते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा प्यारा प्रश्न है, आपको बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हो वित्त आयोग, कौन सा आयोग, वित्त आयोग। बिल्कुल सुनना बहुत आराम से, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगामों नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस के वितरण तथा भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्यों को सहायता अनुदान
किस आधार पर दिया जाए इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा और 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की, कौन से वित्त आयोग की? 15वें वित्त आयोग की गठन किया गया। यह एक क्या है, आपसे डायरेक्ट पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि वित्त आयोग है तो वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप जानते हुए चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? दो पूर्ण अवधियों के लिए यानी पूरा पूरा जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है पूरे समय के लिए बिताया हुआ है, तो यहाँ आपको दिख रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दो पूर्ण अवधि, कौन कौन सी दो पूर्ण अवधि थी, इनका कार्यकाल बता दूं 1952 से लेकर के 1957 ईस्वी, 1952-1957 ईस्वी तथा 1957-1962 ईस्वी यानी 1957 से 1962 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। एक बात ये भी आप जान जाइए, दो पूर्ण कार्यकाल 1952 से 1957 ईस्वी, 1957 से 1962 ईस्वी क्या थे? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और उसी के बाद 1962 से 1967 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और आपको बता दूं 1949 से लेकर के 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत, राजदूत का मतलब क्या होता है, एम्बेसडर थे। वे वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने एवं वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न भी मिला। तो आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पहला कार्यकाल 1952 से 1957, दूसरा कार्यकाल 1957 से 1962, ये किसके लिए थे? उपराष्ट्रपति के लिए। उसके बाद 1962 से 1967 ये राष्ट्रपति। तो आपसे पहला पूछा जाए, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या क्वेश्चन किया जाए कि बताइए वह पहला राष्ट्रपति जो लगातार, या फिर ये कहा जाए कि दो पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति रहा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वह उपराष्ट्रपति कौन है जो उपराष्ट्रपति के बाद तुरंत क्या हुआ, राष्ट्रपति भी बना, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। किसी भी तरीके से घूम फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दे लेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? अब यहाँ पर लोकसभा के वेतन और भत्ते की बात की जा रही है। आपको पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है या लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से प्रश्न बनते हैं। आपको बताना चाहूँगा मित्र, चाहे जितने टाइप का प्रश्न बनेगा हम सारे प्रश्नों को आपको निकाल लें। तो आप पहले तो ये देखिए, नोट करते चलिए आप, अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते को संसदीय विधि या संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती हैं। किसके द्वारा? संसद विधि के द्वारा निर्धारित करते हैं। इसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो संविधान के जब लोकसभा की सदस्यों की संख्या की बात आएगी तो आपको याद आना चाहिए कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 81
अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है मित्र, 552 हो सकती है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है और दो क्या होते हैं, ये दो ये मनोनीत होते हैं। तो सुनिए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है और अगर इस 550 को भी बांट दें तो इस 550 में जिसमें से 530 जो है कहाँ से आते हैं, राज्यों से, यानी राज्यों से 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र से अगर हम देखेंगे तो 20 सदस्य हो सकते हैं। किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, इतनी नहीं है, इतनी हो सकती है लेकिन वर्तमान में कितनी है, 550 नहीं, कितनी है मित्रों, 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य से आते हैं, राज्य का कोई भी कटौती नहीं है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से कितने आ रहे हैं, 20 की जगह केवल और केवल 13 ही सदस्य आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, लोकसभा का जो सदस्य होता है इसकी चुनाव लड़ने की या इसकी सदस्य होने की मिनिमम कितनी उम्र होती है, कभी कभी पूछा जाता है, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, कितना, 25 ईयर होती है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। आइए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्र। तो आपको दिख रहा है राज्यसभा, बिल्कुल राज्यसभा का अध्यक्ष या फिर जिसको सभापति कहते हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद याद कर लीजिए मित्र, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक मंडल इलेक्ट्रॉल कॉलेज द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति जिसको हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25वें पर, लोकसभा में किसी विधेयक का धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी विल्स है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका विनिश्चय अंतिम होता है और आर्टिकल 117 एक के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें निम्न विषय सम्मिलित हो, जैसे किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब होता है इम्पोजिशंस, उत्सादन एवोल्यूशंस, परिहार रिमिशंस या परिवर्तन अल्टरनेशंस, एवं भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि पर किसी व्यय को भारित करना आदि होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 26वें पर, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1967 में जब भाषा में पहला संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत सिंधि जोड़ी गई, उसी वर्ष में यह परंपरा रही कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राकलन समिति, एस्टिमेट
कमेटी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जाँच करती है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए प्रदान किया जाता है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ए ही होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो बिल्कुल आपका 1/10 भाग संविधान के, बिल्कुल आप अच्छे से नोट करते चलिए मित्र, संविधान के अनुच्छेद 100 के तीसरे भाग के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही प्रोसीडिंग आयोजित करने के लिए गणपूर्ति कोरम उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा। अर्थात राज्यसभा में कितने, अर्थात अब नोट कर लीजिए भैया तो निकल के चला आएगा, अर्थात राज्यसभा में 25 एवं लोकसभा में कितना हो जाएगा, राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 यानी 55 होगी। यदि किसी भी सदन में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित कर सकता है या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। यानी आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, कई बार पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 का देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, जब तक उसे क्या प्राप्त है बताइए, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पदों पर रहता है जब तक उसे प्रदान है यानी लोकसभा का विश्वास। किसका विश्वास भैया, लोकसभा का विश्वास। उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूँ, प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रमुख होता है, पहली चीज। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा या देना पड़ता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कैबिनेट का तात्पर्य है। अब देखिए कैबिनेट आपने सुना होगा, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट क्या होता है तो आपको बताना चाहूँगा। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। किसमें, मूल संविधान की अगर बात करेंगे तो उसमें कैबिनेट या मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। लेकिन कौन से संविधान में, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा क्या किया गया, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कौन शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। यानी आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह क्या रहा है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष
पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो बिल्कुल उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। क्यों? आपको बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 179 खा के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्याग पत्र विधानसभा का उपाध्यक्ष को तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष जो होता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद दे सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग करेगा तो उपाध्यक्ष को देगा, अगर उपाध्यक्ष देना चाहेगा तो अध्यक्ष को देगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। वित्तीय संबंधों की विवेचना किसमें की गई है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध मतलब फाइनेंशियल रिलेशंस का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो आपसे पूछा जाएगा भाग 12। कौन से भाग में? भाग 12। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहित कलेक्टेड आदि को सम्मिलित किया गया है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति संघ राज्य संबंधों से नहीं है, संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो देखो मित्र, सरकारिया आयोग ये भी है, राजमन्नार समिति ये भी है, पुंछी आयोग ये भी है, यानी यही नहीं है इंद्रजीत गुप्ता समिति। बताना चाहूँगा आपको मित्र, चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता फैसिबिलिटी का अध्ययन करना था। इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया। इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? तो बिल्कुल आपको दिख रहा है भारत की संचित निधि के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो या फिर न्यायाधीश के वेतन हो, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर होती है। आप समझ जाइए, क्वेश्चन कह रहा था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस, अगर आपसे सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर ही आधारित होती है। लेकिन अगर आपसे यही उच्च न्यायालय पूछ लेता, उच्च न्यायालय कहने का मतलब हाई कोर्ट की बात करता, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की अगर बात करता तो वेतन जो है दिया जाता है ये राज्य की संचित निधि के द्वारा दी जाती है, जबकि पेंशन अगर दिया जाता है जो, तो ये किस पर है? भारत की संचित निधि पर है। यानी वेतन के लिए राज्य और पेंशन के लिए भारत की संचित निधि का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वो किसके आधार पर निर्धारण किया जाता है? वित्त आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल संसद के द्वारा।
संविधान के अनुच्छेद 125 एक के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है उसी को पकड़ना है, बताना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। बिल्कुल अभिन्न अंग रही है, जिसमें आपको फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। बिल्कुल गलत दे रहा है मित्र। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। कब? यहाँ क्या गलत दे रहा है, यहाँ 15 अगस्त दे रहा है। केवल गलत क्या है, यहाँ तारीख अगर होती 24 अप्रैल 1993 से क्योंकि प्रभावी हुआ था, यानी ऑप्शन बी ही क्या है, गलत है। फिर इसी में दे रहा है कि जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय संरचना हुई, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाया, उसके महत्व को यानी किसके महत्व को, पंचायतों की शक्तियों, अधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किया, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया, बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, CDP एवं NEES के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो आपका कौन सा है वो, बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1952 में से प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP जिसको कहते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP तथा वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना नेशनल एक्सटेंशन स्कीम NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं CDP की सफलता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37वें पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह क्या रहा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई। पंचायती राज प्रणाली की बात की जा रही है, ऑप्शन बी होगा 46। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अधीन प्रारंभ की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38वें पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है, कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है, तो बताना चाहूँगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रतिनिधि सरकार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अभिव्यक्त करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो जनता की ओर से विधि निर्माण तथा शासन व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने का कार्य करते हैं। विश्व में अगर देखा जाए तो वर्तमान विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई गई, जैसे आप बात कर लीजिए, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करिए, भारत की बात करिए, कनाडा की बात करिए, तो हर जगह पर यही अपनाया गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39वें पर। क्या करना है, सूची एक तथा सूची दो को मिलाना है, कूट की सहायता से आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर हो रहा है सही। आइए मिलाते हैं, भाग 124 अनुच्छेद संविधान के 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना स्टेबलिश और गठन का वर्णन मिलता है, बिल्कुल ये सही है। भाग 5 में अब यहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 5 देना चाहिए था वैसे, चलिए यहाँ भाग दे दिया गया है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यहाँ भाग नहीं अनुच्छेद होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत दे दिया है, यहाँ आप अनुच्छेद लिखिएगा। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्या है, अनुच्छेद है, क्या है, आर्टिकल्स है यहाँ पर, क्योंकि भाग इतना तो लंबा जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, भाग 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। भाग अगर 5 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता
बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों लेजिस्लेटिव पावर्स के वितरण का प्रावधान किया गया है, यह भी सही है। यानी पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46वें पर। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या रहा है? सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कृत्यकारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ शपथ या प्रतिज्ञापन दिया है। शपथ या प्रतिज्ञापन, आइए देखते हैं, इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो होता है क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं संविधान के परिरक्षण करता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा हो जाएगा। इन ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, और प्रतिरक्षण की शपथ यानी ओथ लेता है। फिर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान एवं विधि की मर्यादा, किसकी मर्यादा? संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखना एवं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है। यानी एक थोड़ा मिलाते हुए चलिए, ए में कौन सा सही था? थर्ड, ए में सही है थर्ड, इसमें इसमें, बाकी ये दो ऑप्शन कट गए। फिर उसके बाद बी में कौन सा सही होगा? फोर्थ, यहाँ है, यहाँ भी है। आगे मिलाते हैं, संसद सदस्य, तो संघ का मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेता है, किसकी? कर्तव्यों की। तो यानी आपका क्या हो जाना चाहिए था? सी में दूसरा, देखो भैया कौन सा हो जाएगा? सी में दूसरा कहाँ है? सी में दूसरा इसमें है और इसमें नहीं, यानी ये भी कट गया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी यहाँ से देखो, संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता, यानी राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञापन पर वो लेता है। फिर अनुच्छेद 60 में किया गया है कि जब अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में, पॉलिटी का इस सेशन यहीं पर आराम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।